ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे थ्री फेज इन्वर्टर। इसके दो क्लासिफिकेशन है, वन है 180 डिग्री कंडक्शन मोड एंड सेकेंड है हमारा 120 डिग्री कंडक्शन मोड। थ्री फेज इन्वर्टर में हम यूज करेंगे सिक्स स्विचिंग डिवाइसेस, जैसा ट्रेडिशनल हम लोग मतलब डिवाइसेस का सिंबल यूज करते आ रहे हैं थायरिस्टर, उसको ही यूज कर रहे हैं। ऑल्दो जो न्यू लिटरेचर होंगे, न्यू बुक्स होंगी, तो वहां पे थायरिस्टर के जगह पे प्लेस पे आपको हो सकता है एक स्विच से रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई अदर सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइस लाइक मॉस्फेट, आईजीबीटी, जीटीओ यूज करके वो दिखा रहे हो। बट हमें यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है कि थायरिस्टर हमारा एज ए स्विच ऑपरेट करा रहा है, तो जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको चेंज ना करते हुए अब यहाँ पे भी हम लोग थायरिस्टर को ही एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं। सिक्स स्विचिंग डिवाइसेज हैं और सिक्स हमारे फीडबैक डायोड हैं। ठीक है, फेस ए के साथ आप यहां से बस ध्यान से समझना, फेस ए के साथ हमने एसोसिएट किया है T1 और T4 को। दैट मीन्स अगर आप T1 को ऑन करोगे या T4 को ऑन करोगे तो आउटपुट में आपको फेस ए मिलेगा। अगर फेस बी को हमें आउटपुट में फेस बी चाहिए तो हम T6 या T3 को ऑन करेंगे। सेम एज अगर हमें आउटपुट में फेस सी चाहिए तो हम T5 या T2 को ऑन करेंगे। सेम एज जैसा हम लोग वहां पे रेक्टिफायर में पढ़ते आए थे, नंबरिंग कुछ इस तरीके से की थी 135 और 246। तो 135 को यहाँ पे हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर। दैट मींस अगर आपने T1 को ऑन किया, T3 को ऑन किया या T5 को ऑन किया है तो जो वोल्टेज अपीयर होगा लोड में वो पॉजिटिव वीएस अपीयर हो। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ वीएस अपीयर होगा। सेम एज T2, T4 और T6 हमारे नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर हैं। अगर इनमें से आप किसी को भी ऑन करोगे तो जो वोल्टेज अपीयर होगा वो नेगेटिव वैल्यूज का अपीयर होगा। ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल रखनी है, वर्किंग सिंपल रखनी है, उसके लिए हम लोग 180 डिग्री कंडक्शन मोड हो या 120 डिग्री कंडक्शन मोड हो, लोड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हमारा प्योरली रजिस्टिव लोड। ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगी रजिस्टिव लोड के केस में। और फर्दर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि लोड हमारे स्टार कनेक्टेड है। दैट मीन्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि लोड हमारा स्टार कनेक्टेड है, ऑल्दो डेल्टा कनेक्टेड भी थ्री फेज हो सकता है। ठीक है, और लोड हमारा यहाँ पे क्या है, रजिस्टिव है। तो लोड रेजिस्टिव मान रहे हैं, इसलिए सर्किट में फीडबैक डायोड की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो 180 डिग्री कंडक्शन मोड के साथ में सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे फीडबैक डायोड नहीं लगे हैं। अदरवाइज जब भी आप सर्किट डिजाइन करोगे तो हर थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में एक आपको फीडबैक डायोड लगाना है। ठीक है, इसकी वर्किंग हमें पढ़नी है। तो इसकी वर्किंग पढ़ने के पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूछा जाएगा, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। और एक फेज वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज, ये आप कोई भी फेज वोल्टेज पिक कर सकते हो, ए बी सी, किसी को भी, किसी का भी फेज वोल्टेज आपको ड्रॉ करना होगा। और कोई भी एक लाइन वोल्टेज, दैट मीन्स आउट ऑफ सिक्स लाइन वोल्टेज, आप कोई भी एक लाइन वोल्टेज आपको वहां पे ड्रॉ करना होगा। वहां पे कोई क्लियरली मेंशन नहीं आएगा कि आपको वी ए बी ड्रॉ करना है या वी बी ए ड्रॉ करना है या वी ए सी ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं आएगा। बस वन फेज वोल्टेज और वन लाइन वोल्टेज आपको ड्रॉ करना होगा इन केस ऑफ 180 डिग्री कंडक्शन मोड एंड इन केस ऑफ 120 डिग्री कंडक्शन मोड। अब कह रहे हैं इसको करने का तरीका, तो रेक्टिफायर, थ्री फेज रेक्टिफायर में हम लोगों ने एक टाइमिंग डायग्राम बनाया था, कंडक्शन पैटर्न बनाया था। सेम एज 180 डिग्री और 120 डिग्री कंडक्शन मोड में भी हम एक टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो अप्रोच है टाइमिंग डायग्राम कंप्लीट करने की। एक तो आप थ्री फेज की वेवफॉर्म पहले बना लो रेफरेंस के लिए और उसको देख के एंट्री T1 और T4, T2, T6 किसी की भी थायरिस्टर की आप एंट्री कर सकते हो। या इधर लेफ्ट साइड में कंडक्शन पैटर्न लिखा हुआ है कि फॉर फेज ए आप T1 स्टार्ट कर दो ओमेगा टी इक्वल टू 0, T3 से 120 और T5 स्टार्ट करेंगे हम लोग T40 से। आप ये कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी को भी फॉलो करो। फिलहाल अभी हम लोग जो फॉलो करेंगे वो थ्री फेज की वेवफॉर्म देख के ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थ्री फेज की वेवफॉर्म के जस्ट नीचे यहाँ पे तीन रो और सिक्स कॉलम हम लोगों ने ड्रॉ कर रखी है। एक टेबल बनाई है जिसमें तीन रो सिक्स कॉलम्स हैं, यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। ठीक है,
तो सपोज हम लोग करने में क्या वाले हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसमें एंट्री हम करेंगे फेज ए की, ठीक है, इसमें एंट्री हम लोग करेंगे फेज ए की, और फेज ए के लिए हमें पता है कि हम कौन कौन से थायरिस्टर ऑन कर सकते हैं, या तो हम ऑन करेंगे T1 या तो हम ऑन करेंगे T4, ठीक है। फेज ए के लिए हमें एंट्री करनी है, या तो हम करेंगे T1 को ऑन या तो हम करेंगे T4 को ऑन। सेम एज यहां पे हम एंट्री करेंगे फेज बी की, फेस बी के लिए जो हमें एंट्री करनी है आप देख के बता पाओगे कि हम या तो T3 को ऑन कर सकते हैं या T6 को ऑन कर सकते हैं। सेम एज यहाँ पे हम लोग थर्ड रो में एंट्री करेंगे फेस सी के थायरिस्टर की, दैट मीन्स या तो आप 5 को ऑन करोगे या आप थायरिस्टर इसको ऑन करोगे T2 को ऑन करोगे, ठीक है। इस तरीके से तीन रो में हम लोगों ने डिविजन कर दिया है कि किस में किस रो में किस फेज की हमें एंट्री करनी है, ये हमने कर दिया। फिर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आउटपुट आपको पॉजिटिव चाहिए, अगर आउटपुट आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप क्या करोगे, T1, T3 और T5 को ऑन करोगे। दैट मींस फेज ए पॉजिटिव चाहिए तो T1 ऑन करोगे, फेज बी पॉजिटिव चाहिए तो T3 ऑन करोगे, फेज सी पॉजिटिव चाहिए तो T5 ऑन करोगे। अगर आपको फेज ए नेगेटिव चाहिए तो आप T4 ऑन करोगे, फेज बी नेगेटिव चाहिए तो T6 ऑन करोगे, फेज सी नेगेटिव चाहिए तो T2 को ऑन करोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप में जैसे थ्री फेज रेक्टिफायर के केस में डिवीजन था, सेम एज इन्वर्टर थ्री फेज इन्वर्टर के केस में भी डिवीजन। अब बस यहां से ऐसे एंट्री करनी है हमें, अगर हमने कहा कि हम पहले फेज ए की एंट्री कर रहे हैं, हम फेज ए की एंट्री कर रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि फेज ए 0 से 180 डिग्री तक क्या है, पॉजिटिव है। फेज ए 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव है और 180 डिग्री से 360 तक क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो आपने ये फेज ए की वेव फॉर्म देखी, ठीक है। तो अब हम फेज ए के लिए एंट्री करेंगे, फेज ए के लिए जब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमें ये पता है, हमें ये पता है कि 0 से 180 डिग्री फेज ए क्या है, पॉजिटिव। तो दैट मींस हम यहाँ पे ऑन किसको करेंगे, T1 को, सॉरी T2 हो गया, ये भी क्या होगा हमारा, T1। आफ्टर T1 हम लोग देख रहे हैं 180 डिग्री से 360 डिग्री से 360 हम लोग देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये फेज ए हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो जब फेस ए नेगेटिव हो रहा है तो दैट मीन्स नेगेटिव के लिए हम लोग ऑन करेंगे T4, नेगेटिव के लिए हमने ऑन करेंगे थायरिस्टर T4। तो फेस ए की एंट्री खत्म हो गई। अब फेस बी पे आते हैं हम लोग, तो जब फेस बी पे आएंगे तो फेस बी की एंट्री आपको देखनी है। तो सपोज हम लोग शुरू से देख रहे हैं 0 से 120 डिग्री तक आप देखोगे, 0 से 120 डिग्री आप देखोगे फेस बी, तो आप कहोगे कि ये तो नेगेटिव है। तो दैट मीन्स अगर ये नेगेटिव है तो फेस बी के, फेस बी को नेगेटिव रखने के लिए हम यहां पे ऑन करेंगे T6 को। आफ्टर 120 डिग्री, आफ्टर 120 डिग्री आप देखोगे 120 डिग्री से लेके 300 तक, 120 से लेके 300 तक फेस बी हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस केस में हम लोग किसको ऑन करेंगे, T3 को। जब T3 को हम लोग ऑन करेंगे तो उस केस में हमारा क्या मिलेगा, फेस बी पॉजिटिव मिलेगा। देन आफ्टर अगर 300 से 360 देखोगे आप, 300 से 360 देखोगे तो आपको फेस बी क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। तो जब नेगेटिव प्लीज होल्ड करना, फिर लाइट चली गई है, ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, यस सर, एक मिनट बस लाइट आने दो, राउटर आउट होने दो। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक ये ऑन हो रहा है लाइट आ रही है, लाइट आ गई है, एक मिनट कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कनेक्टेड हम लोग, तो स्टार्ट कर रहे हैं।
प्लीज एक बार कंफर्म कर दो सब कुछ क्लियर है वॉइस और स्क्रीन। यस ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे कि फेस बी की एंट्री की हम लोग जब बात कर रहे थे, फेस ई देखेंगे 300 से 360 क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है तो दैट मींस नेगेटिव के लिए हमें किसको ऑन करना है, नेगेटिव के लिए फेस बी अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें ऑन करना है टी सिक्स को, तो हमने टी सिक्स को ऑन कर दिया। सेम है जब आप अब फेस सी की एंट्री करोगे तो आपको ऑन करना है या तो टी फाइव या तो आप ऑन करोगे टी टू। ठीक है, दो थायरिस्टर आप ऑन कर सकते हो टी फाइव या टी टू। तो अब आप देखोगे 0 से 60 अगर आप देखोगे तो फेस सी क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो हमने ऑन किया यहाँ पे टी फाइव। आफ्टर 60 डिग्री अप टू 240 फेस सी हमारा नेगेटिव है तो दैट मींस हम यहाँ पे ऑन करेंगे टी टू। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे आफ्टर 242 360 फेस सी हमारा क्या है पॉजिटिव, तो यहां पे हम ऑन करेंगे T5 और हम यहां पे ऑन करेंगे T5। तो ये तो है पैटर्न कि आप थ्री फेस की वेवफॉर्म देखो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस समय किस डिवाइस को ऑन करेंगे तो हमें ये जो पैटर्न मिलेगा आउटपुट में वो थ्री फेस का मिलेगा। That means phase A 0 से स्टार्ट होगा, phase B 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, phase C 240 डिग्री बाद स्टार्ट होगा। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हमारा आप सिंपल जैसे वहां फेस हमने टाइमिंग डायग्राम के लिए कुछ समराइज किया था, वहां पॉइंट नोट किए थे, आप उसको यहाँ पे याद कर लो। क्या है, T1 हमारा स्टार्ट करेगा ओमेगा T इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, कब तक करेगा 180 डिग्री कर रहा है। T1 के 180 डिग्री बाद T4 स्टार्ट करेगा, यहाँ पे T4 स्टार्ट कर रहा है, कितनी देर कंडक्ट कर रहा है 180 डिग्री। ठीक है, जब हम फेस बी की एंट्री करेंगे तो फेस बी हमें पता है फेस ए से 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, तो T3 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा 120 डिग्री बाद, ये देखो 120 डिग्री बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कब तक करेगा 180 डिग्री कंडक्ट कर रहा। T3 के बाद हमारा कौन कंडक्ट करेगा, T6 कितनी देर करेगा 60 यहाँ पे और 120 यहाँ पे। सेम है जब हम लोग फेस सी की एंट्री करेंगे तो फेस सी कहाँ से स्टार्ट करता है 240 से, तो फेस सी हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 240 से T5, कितनी देर करेगा 180 डिग्री, 120 यहाँ पे कर रहा है और 60 यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते, डिपेंड करेगा कि आप किसको फॉलो करने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप थ्री फेज की वेवफॉर्म देख के भी बना सकते हो, थ्री फेज की वेवफॉर्म देख के भी पैटर्न बना सकते हो, अदरवाइज ये जो समराइज पॉइंट है इसके बेसिस पे भी आप अपना टाइमिंग डायग्राम डेवलप कर सकते हो। ये टाइमिंग डायग्राम डेवलप करने के बाद अब आपको एक फेज वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज क्या करना है, ड्रॉ करना है। एक फेज वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सपोज हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे फेज वोल्टेज ए का विद रिस्पेक्ट टू एन, और यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन वोल्टेज ए का विद रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, दैट मींस एक फेज वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, दैट मींस ये जो थ्री फेज इन्वर्टर का सर्किट है इसको एट ए टाइम तीन जो डिवाइसेस ऑन है T1 T6 और T5 इनको ऑन करना है, इनके बेसिस पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो देखो 0 से 60 के बीच में हमारे कौन कौन से थायरिस्टर ऑन थे, T1 ऑन था, T5 ऑन था और T6 ऑन था। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, T1 T6 और T5 यहाँ पे हमने कर दिया। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, जो थायरिस्टर पॉजिटिव ग्रुप के हैं उन पे पॉजिटिव साइन असाइन करो। ठीक है, जो नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर है उन पे नेगेटिव साइन असाइन करो। ये ऐसे कर दिया, आपको हर एक में ऐसे कर लेना है, जब भी बनाओ तो ऐसे बना लो।
अब आपको T1, T5 और T6 को ऑन करना है, दैट मींस रिमेनिंग जो तीन थायरिस्टर बचेंगे उनको करना है ऑफ। तो पहले उनको करते हैं ऑफ, दैट मींस अगर T1 ऑन है फेज ए के लिए तो T4 ऑफ रहा होगा एट ए टाइम, एक लेग के एक ही थायरिस्टर हमारे क्या होंगे, ऑन होंगे इन 120 डिग्री कंडक्शन मोड। अगर T5 ऑन है तो दैट मींस T2 ऑफ रहा होगा, इसको भी ऑफ करो, ठीक है। T6 ऑन है दैट मींस T3 हमारा क्या रहा होगा, ऑफ रहा होगा, इसको भी हमने कर दिया ऑफ। तो दैट मींस जो हमारा रिमेनिंग सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा, ठीक है। T1 ऑन है, T5 ऑन है और T6 ऑन है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये कर ले रहे हैं कि यहाँ देखो बैटरी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव टर्मिनल। तो ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट मीन्स पॉजिटिव यहाँ पे भी आ रहा होगा, पॉजिटिव यहाँ पे भी आ रहा होगा। सेम एज ये जो निगेटिव है हमारा, ये जो निगेटिव टर्मिनल है, इसकी अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से आएगा, T1 से होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल ए पे आ जाएगा, हुआ पॉजिटिव टर्मिनल सी पे आ जाएगा। सेम एज बी से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी T6 से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल बी पे आ जाएगा। तो ये कर कैसे रहे हम लोग, आप कर कैसे रहो, इसको बस देखना है कि T1 पे पॉजिटिव साइन असाइन किया था, T1 किस फेस से कनेक्टेड है, ए से, तो पॉजिटिव आया। T5 पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर था, ये किससे अटैच था, सी से अटैच है इस समय इस सर्किट में, ये हमने क्या कर दिया, सी को पॉजिटिव कर दिया। T6 क्या है, नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है, तो बी से अटैच है, तो बी पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो दैट मीन्स इसके बाद आपको सर्किट क्या बनाना है कि आपके ये जो तीन रेजिस्टेंस हैं, ये कनेक्टेड क्या होंगे, एक सिंगल बैटरी से ही तो कनेक्टेड है, वो बैटरी कौन सी है, ये VS। तो इसमें आपको करना क्या है, इनके जो तीन टर्मिनल है, इन तीनों टर्मिनल को इस बैटरी से कनेक्ट करना है। तो कौन से तीन टर्मिनल हैं, इनमें से कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, वो ये बताएगा। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन आ रहा है और ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मींस फेस ए का और फेस सी के जो रेजिस्टेंस हैं, उनके टर्मिनल तो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएंगे, और फेस बी वाला नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे कनेक्शन कैसे होगा, फेस ए का पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सी वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और बी वाला हमारा क्या है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। कुछ इस तरीके का ये सर्किट डायग्राम बनेगा। रेजिस्टेंस अभी भी तीनों वैल्यूज कितनी है, सेम है, इक्वल है, बैलेंस लोड मान के चल रहे हैं। आर आर इनका ये जो कॉमन पॉइंट है, इसको स्टार कनेक्शन में हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। अब आपको फर्दर कैलकुलेशन क्या करनी है, वेव फॉर्म के लिए आपको प्लॉट क्या करना है, एक फेज वोल्टेज, दैट मींस ए का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, और एक प्लॉट करना है लाइन वोल्टेज, दैट मींस वी का विद रिस्पेक्ट टू ए का विद रिस्पेक्ट टू वी। ये दो वोल्टेज यहां से आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, फेज ए और फेज सी के जो दो रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनको अगर आपस में हम लोग कंबाइन कर देंगे फॉर सिंपल कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो गया R, इस पॉइंट पे ही है A, इसी पॉइंट पे है फेस C और इस पॉइंट पे है फेस B, ठीक है। तो यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, दैट मीन्स अगर आप इनके इनके बीच का वोल्टेज निकालोगे तो आपको मिल जाएगा VAN, और इनके बीच का वोल्टेज निकालोगे तो आपको मिल जाएगा VAB, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें करनी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि VAB की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि यार A और B डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो दैट मींस ये हो जाएगा हमारा VS। अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे VAN, ठीक है, VAN, तो टोटल करंट आप निकालोगे ब्रांच की I, सपोज यहां पे मान ले रहे हैं करंट I होगी I into R/2, क्योंकि हमें पोटेंशियल या वोल्टेज कैलकुलेट करना है A का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो A के विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल के बीच में रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है, R/2,
यहां से जब वी ए एन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी इस केस में हो जाएगी वी एस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आर प्लस आर बाई टू मल्टीप्लाई बाई आर बाई टू। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा ये आर बाई आर लिख जाइए, आर बाई टू है ठीक है। यहां से जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहां से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी वी एस बाई थ्री। ये वैल्यूज कितनी निकल के आ जाएगी वी एस बाई थ्री। तो एक फेस वोल्टेज आया जिसकी वैल्यू है वी एस बाई थ्री, लाइन वोल्टेज आ रहा है वी एस, इनको अब हमें यहाँ पे क्या करना है ड्रॉ करना है अपनी वेव फॉर्म में। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है अपनी वेव फॉर्म में, इसको हम लोग करते हैं ड्रॉ ठीक है। तो वी ए एन जो हमारा आया है वो आया है वी एस बाई थ्री, तो वी एस बाई थ्री इसको मान ले रहे हैं, और वी ए बी जो आया है हमारा वो आया है वी एस, तो ये हम लोग वी एस बना दे रहे हैं ठीक है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये है वी एस बाई थ्री और ये वैल्यू कितनी है वी एस। नेक्स्ट ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना होगा 60 से 120 ऑन कौन कौन से हैं, T1, T6 और T2। तो अब हम लोग ऑन कर रहे हैं T1, T6 और T2 को ठीक है। तो जब हम लोग T1, T6 और T2 को ऑन करेंगे तो हमेशा की तरह फिर क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहे, ये है पॉजिटिव ग्रुप के बना दिया, नेगेटिव ग्रुप के बना दिए। ऑन क्या है, T1 ऑन है ठीक है, T4 हमारा ऑफ रहा होगा, T4 को हमने ऑफ कर दिया, T2 ऑन है दैट मींस T5 ऑफ रहा होगा, T5 को ऑफ कर दिया, T6 ऑन है दैट मींस T3 ऑफ होगा, इसको ऑफ कर दिया ठीक। अब आपको कनेक्शन डेवलप करना है तो आप देखो ऑन है तो दैट मींस फेज ए पे क्या हो रहा होगा पॉजिटिव, T6 ऑन है दैट मींस फेज पर नेगेटिव, T2 ऑन है दैट मींस फेज सी पे आ रहा होगा नेगेटिव। तो अब आपको करना है सिंपली रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करने हैं और एक टर्मिनल पॉजिटिव कनेक्टेड करना है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल ए है जो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, टर्मिनल बी और सी हमारे नेगेटिव वाले आ रहे हैं तो इनको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका डायग्राम, फिर बी और सी को जब आप ध्यान से देखोगे ब्रांचेस पैरेलल में है तो ये रेजिस्टेंस हमारा कितना बाई टू और ये हो गया आर, यहाँ पे है हमारा ए, यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारा है सी ठीक है। फिर हमें वोल्टेज कहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक वोल्टेज ये कैलकुलेट करना है, ये वोल्टेज हमें बताएगा वी ए एन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर जब आप इस केस में बोलोगे वी ए बी कितना है तो आप बोलोगे बैटरी के कनेक्टेड है तो दैट मीन्स ये हो गया वी एस। वी ए एन जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो करंट मान ले रहे हैं टोटल आई, ये हो जाएगा आई इनटू, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई वो होगा आर ठीक है, क्योंकि जो हम वोल्टेज ले रहे हैं इसके क्रॉस, इस ब्रांच के क्रॉस, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है आर, यहाँ लिख दिया आर। फर्दर कैलकुलेशन ऐसी होगी, करंट हो जाएगी एस डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई टू मल्टीप्लाई बाई आर, ये हो जाएगा हमारा वी ए एन। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो वी ए एन वैल्यू आ जाएगी 2 वी एस बाई 3 ठीक है। तो यहां पे देखो फेज वैल्यू आ रही है वी एस, सॉरी लाइन वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वी एस और फेज वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 2 वी एस। अब इसी को हमें यहां पे क्या करना है ड्रॉ करना है, इसी को हमें यहां पे करना है ड्रॉ, इसको हम लोग यहां पे ड्रॉ ठीक है। फेज वोल्टेज हमारा हो गया है 2 वी एस बाई 3, 2 वी एस बाई 3 ड्रॉ कर दिया, लाइन वोल्टेज अभी भी वी एस है तो ये वी एस ड्रॉ कर दिया ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई 2 वी एस बाई 3। इसी तरीके से अब हमें थर्ड कैलकुलेट करना है 120 से 180 डिग्री कंडक्शन मोड की। तो T1 ऑन है, T2 ऑन है, T3 ऑन है, तो ये ऑलरेडी पहले मैंने जो ऑन है उन्हीं को रखा, बाकी सबको इरेज कर दिया है। तो T1 ऑन है दैट मींस पॉजिटिव ग्रुप है, T3 ऑन है दैट मींस पॉजिटिव ग्रुप है, T2 ऑन है दैट मींस नेगेटिव ग्रुप है। तो होगा क्या, यहाँ पे ए पे पॉजिटिव है, बी पे पॉजिटिव है, दैट मींस ये तो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएंगे, पॉजिटिव से ये ए हो गया, ये बी हो गया ठीक है। सी पे हमारा नेगेटिव है, सी पे हमारा नेगेटिव है तो सी हमारा यहाँ पे कनेक्टेड हो गया।
जैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फेज ए और फेज बी दोनों में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा R by 2, ये हो गया R, इस पॉइंट पे A है, इसी पॉइंट पे B है, और नीचे वाला पॉइंट हमारा क्या है, C है, ठीक है, यहां तक तो कैलकुलेशन ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है फेज वोल्टेज, वो यहां से आएगा VAN, करंट मान ले रहे हैं हमारा I। जब हम यहां पे VAN कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या बोलोगे, I इन R by 2, I कितना हो जाएगा, VS अपॉन R, R by 2 मल्टीप्लाई by R by 2, ये हो जाएगा हमारा VAN। जब हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी VS by 3, ठीक है। अब यहां पे ध्यान में रखना, जब VAB निकालेंगे, जब VAB निकालेंगे, बस इस पर ध्यान में रखना, यहां पे क्या है, ए और बी एक ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे है, दैट मींस ए वायर के थ्रू क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, वी ए बी हमारा यहाँ आएगा जीरो, यहाँ पे वी ए बी जीरो आएगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फेज वोल्टेज है उसकी वैल्यू वी एस बाई थ्री ड्रॉ करनी है, और वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू जीरो ड्रॉ करनी है, इसको अब हमें यहां पे ड्रॉ करना है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर, ठीक है, इसको हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। फेज वोल्टेज आया है हमारा Vs by 3, इसको कर दिया Vs by 3, लाइन वोल्टेज 0, तो इसको ड्रॉ कर दिया 0, ये वोल्टेज तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ 0 से 180 डिग्री तक। अब हम लोग आ रहे हैं 180 से 240, तो यहां पे ऑन है T4, T3 और T2, अब इनको ऑन करेंगे 180 से 240, ये लास्ट है, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग प्रीवियस कैलकुलेशन के बेसिस पे कंप्लीट कर लेंगे वेव फॉर्म। तो जैसे करते आ रहे हैं, T4 है तो नेगेटिव ग्रुप का है, नेगेटिव कर दिया, T2 है नेगेटिव ग्रुप का है तो नेगेटिव कर दिया, T3 है तो पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। तो यहां पे देखो पॉजिटिव किस पे आ रहा है, बी फेस पे आ रहा है, पॉजिटिव बी फेस पे आ रहा है, इसलिए बी यहां पे आएगा। नेगेटिव किसके किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है और सी पे आ रहा है, दैट मींस ए यहां पे होगा, सी यहां पे होगा, ये कुछ कनेक्शन हमारा बनेगा। ए और सी पैरेलल ब्रांचेस हैं, तो इनको कर दिया आर बाय टू, एक कॉमन पॉइंट है, ये ए है, यही सी है, और ये हमारा क्या है, पी है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 180 डिग्री, तो यहाँ पे संभल के कैलकुलेट करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। आंसर कैसे गलत होगा, इसको समझो, जब हम ये लिखते हैं वोल्टेज की हमने बताया है वी ए बी, इसका मतलब डायरेक्टली क्या होता है, आप ये बता रहे हो कि वी ए का पोटेंशियल ग्रेटर देन क्या है, बी के पोटेंशियल से है, ठीक। अब अगर ये कोई वोल्टेज ऐसे होता था 10 वोल्ट, ऐसे तो नहीं बता पाओगे, ये लोअर वाले को बोलना है 0 वोल्ट, अपर वाले को बोलना है 10 वोल्ट, ठीक है। इसको बोलना है 10 वोल्ट, ये टर्मिनल हमारा ए है, ये टर्मिनल हमारा बी है। इसमें जब आप लिखते हो वोल्टेज, तो आप क्या लिखते हो, VAB का मतलब क्या होता है, आप माइनस करते हो A का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू B पॉइंट के पोटेंशियल से। तो आप यहां पे लिखते हो 10 माइनस 0, दैट मींस इसको बोलते हो 10 वोल्ट है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं नहीं आपको BA का लिखना है, तो दैट मींस एक्सप्रेशन होगा B माइनस VA का पोटेंशियल, B का पोटेंशियल यहां पे कम है, A का पोटेंशियल 10 है, तो आप क्या बोलोगे, बी ए क्या आ रहा है हमारा, सर बी ए हमारा आएगा माइनस 10 वोल्ट। तो यहां से समझो, है सेम बैटरी, बैटरी सेम है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहां पे डिसाइड हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहां पे उसके अकॉर्डिंग यहां पे हमारा क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। तो
इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी इस लूप में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ सी होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर वे में हम लोग बना दें, क्योंकि जगह नहीं तो यहीं पे बनाना है, बी का पोटेंशियल ग्रेटर देन न्यूट्रल पॉइंट के पोटेंशियल से होगा, ग्रेटर देन ए एंड सी के पोटेंशियल से होगा, ठीक है। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट याद में रखना है कि जो हायर पोटेंशियल पे है कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है, और जो हम पोटेंशियल बता रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट किसको करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ए का विद रिस्पेक्ट टू एन। और यहाँ पे हमें सर्किट से पता है कि यार एन का जो पोटेंशियल है, एन का जो पोटेंशियल है हमारा वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट मींस जब आप इस वैल्यूज को लिखोगे तो इस वैल्यूज को लिखने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यूज को लिखने के पहले आपको करना पड़ेगा क्या, आपको माइनस साइन असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको माइनस साइन असाइन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहीं पे कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं कि जब आप यहाँ पे लिखोगे वी ए एन, जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे वी ए एन, वी ए एन, तो शुरू में ही माइनस साइन इसलिए असाइन कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एन का पोटेंशियल क्या है, ए के कंपैरिजन में हायर साइड पे है, तो आई इंटू आर बाई टू। और ये फर्दर वही कैलकुलेशन है हमारी वी ए एन की, ये हो जाएगा वी एस आर प्लस आर बाई टू इंटू, थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल लिखना पड़ रहा है, जगह नहीं है, यहां से वी ए एन हो जाएगा हमारा, आप नो डाउटली कैलकुलेट करोगे तो आर बाई टू वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा वी एस बाई थ्री, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से आपको माइनस साइन असाइन करना है, अदरवाइज यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो 180 से 240 के बीच में यही आपको मेजर ध्यान देना है। इसके बाद जब आप यहाँ पे लिखोगे वी ए बी कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता है बी हायर साइड पे है, वोल्टेज तो अभी भी दोनों के क्रॉस वी एस ही है, लेकिन बी हायर साइड पे है, इसलिए यहाँ डिनोट करोगे माइनस वी एस। तो अब आपको क्या करना है, फेज वोल्टेज आया माइनस वी एस बाई थ्री और लाइन वोल्टेज आया माइनस वी एस, इसको यहाँ क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसको अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, रेट से बना रहे थे, रेट से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा हो जाएगा माइनस वी एस बाई थ्री और यहाँ पे पोटेंशियल हमारा हो जाएगा माइनस वी एस, ठीक है, ये वैल्यू है माइनस वी एस बाई थ्री और ये वैल्यू है माइनस वी एस, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारी जब कैलकुलेशन करोगे तो फेज वोल्टेज में यहां आपको कुछ लैडर्स बनती नजर आएंगी, ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और ये नेक्स्ट में 240 से 300 के बीच में भी माइनस वी एस आएगा, देन आफ्टर ये फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 180 डिग्री कंडक्शन मोड की फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आएगा, ठीक है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इन केस ऑफ 120 डिग्री आपका ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की आपको आरएमएस वैल्यू वो पूछता है, हार्मोनिक्स एनालिसिस पूछेगा, तो इसको क्विकली हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की एनालिसिस में, ठीक है। एक मिनट मुझे स्क्रीन को क्लिक कर लेने दो, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे, ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं ऑलरेडी, बस समझाने के लिए इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो हमने वोल्टेज ड्रॉ किया है ये आ गया है, एंगल मेंशन कर देते हैं, इस पॉइंट पे जो एंगल है वो है पाई बाई थ्री, दैट मीन 60, यहाँ पे था 2 पाई बाई थ्री, यहाँ पे था हमारा पाई,
ये पॉइंट था हमारा 4π/3, ये पॉइंट था हमारा 5π/3 और ये पॉइंट था हमारा 2π। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, आप किसी की भी फेज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू जिसमें कंफर्टेबल हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ट्राई हम लोग ये कर रहे हैं कि 180 डिग्री कंडक्शन बोर्ड में एक बार फेज वोल्टेज का कैलकुलेट कर लेंगे और 120 डिग्री में एक बार लाइन वोल्टेज का, जिससे हम लोग दोनों के लिए फेज आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे जब हम लोग फेज वोल्टेज के लिए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना फेज वोल्टेज की है, यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहे हैं कि डीसी है या एसी, दैट मींस आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप एसी की बात करोगे तो वो कॉमन सी बात है कि हम आरएमएस वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं इसके टाइम पीरियड की, तो स्क्वायर करके देखोगे तो इसका टाइम पीरियड पाई निकल के आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने लिखा है 1/π। यहाँ पे तीन स्टेप में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0 से 60 के बीच में मैग्नीट्यूड Vs/3 है, 60 से 120 के बीच में 2Vs/3 है और 120 से 180 के बीच में Vs/3 है। तो फंक्शन का स्क्वायर, दैट मींस Vs/3 का स्क्वायर dt लिमिट 0 से 60। नेक्स्ट 60 से यहां पे हो जाएगा 2π/3, ठीक है, 60 से लेजर ऑन है, ये है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2π/3 कर लेना, ठीक है। ये 60 से 120 डिग्री मैग्नीट्यूड कितना है 2Vs/3, तो 2Vs/3 का स्क्वायर इनटू डीटी। फिर 120 से 180 के बीच में मैग्नीट्यूड कितना है Vs/3 का स्क्वायर इनटू डीटी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी फेज की आरएमएस वैल्यू √2Vs/3, √2Vs/3। तो आपको पता है स्टार कनेक्शन के केस में फर्दर लाइन वोल्टेज के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई क्या करना है √3 का। स्टार के केस में हमें ये रिलेशन पता होता है, रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज, इसी का यूज करके यहां से हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे लाइन की, तो लाइन की वैल्यू आ जाएगी √2/3 इंटू Vs। इसके बाद हमें फोरियर एनालिसिस करना होगा, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेगा कि जो आपकी आउटपुट की वेव फॉर्म आ रही है उसके आरएमएस फंडामेंटल की किसी भी nth हार्मोनिक के आरएमएस वैल्यू बता दो, सेकेंड हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू बता दो, थर्ड हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू बता दो, किसी की भी पूछ सकता है। तो आपको या तो फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज का हार्मोनिक्स एनालिसिस करना होगा। तो दोनों के केस में लाइन वोल्टेज का फोरियर एनालिसिस यहाँ पे इजी है, इसका हमने यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है लाइन वोल्टेज का, ये आपको याद रखना होगा। एन वेरी करेगा 1, 3, 5 एंड सो ऑन, 4Vs/nπ साइन nπ/3 साइन nωt π/6, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछता कि फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू बता दो, फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू बता दो, तो इस एक्सप्रेशन में हम पुट क्या करते, एन की जगह 1 पुट कर देते, बचता क्या हमारे पास 4Vs/π साइन π/3 इंटू साइन ωt+π/6। इसकी हमें निकालनी है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हमें पता कैसे निकालते हैं, ये तो पूरा हमारा ट्रीट हो जाता किसकी तरह, ये हमारा ट्रीट हो जाता वीएम की तरह। तो दैट मींस इसको एज इट लिख देते हैं, 4Vs/π साइन π/3 की आप वैल्यू लिख सकते हो √3/2। और हमें ये पता है अगर साइनोसोडल कंपोनेंट इन्वॉल्व है, वेरी कर रहा है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू के लिए फैक्टर का मल्टीप्लाई किसके कहते हैं, 1/√2। यहाँ पे 1/√2 का मल्टीप्लाई कर देते और इसको कैलकुलेट कर लेते, तो लाइन वोल्टेज के फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यूज आ जाती। उसके बाद आप टोटल वोल्टेज निकालते लाइन का, ठीक है, टोटल आरएमएस वैल्यूज निकालते, फिर जो हमारा जी का फार्मूला है फंडामेंटल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल आरएमएस, उसको डिवाइड करके जब वैल्यूज निकालते यहाँ पे, तो इस जी की वैल्यू 3π/π आ जाती। ये रेक्टिफायर के केस में आती, थ्री फेज रेक्टिफायर में भी इतनी आती है, और इसके फेज में टीएचडी जो हम लोग निकालेंगे वो टीएचडी आ जाएगी 31
परसेंट, ठीक है।